दोस्तों ठंडी का मौसम है और इस मौसम में जो है चटपटा खाने का मन करता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है आज की इस रेसिपी में पनीर पकौड़ा बनाकर आपको दिखाएं और देखते हैं कि बहुत आसान तरीके से जो है घर में किस तरह से जो है इस तरह कुरमुरा पनीर पकौड़ा बना सकते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, उसके बाद बेसन लिया है 150 ग्राम और इसमें जो है स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो लगभग हमने यहाँ पे जो है इतना बेसन में 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना नमक पसंद करते हैं उतना इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे हमने खुद से तैयार की है लाल मिर्च पाउडर, जो कि पूरा तरह से पिसा नहीं है, तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमने गर्म मसाला इस्तेमाल किया है 1/2 चम्मच, उसके बाद यहाँ पर अजवाइन 1/2 चम्मच डाले, उसके बाद यहाँ पर जो है मंगरेला 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालें, और उसके बाद जो है इसमें आप हल्दी पाउडर डालना ना भूलें, तो हल्दी पाउडर जो है 1/2 चम्मच डाल दें। और उसके बाद जो है इसका बैटर तैयार करना है, तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है आप बैटर तैयार करें। पूरा पानी जो एक बार में इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो बैटर जो है गीला होने का चांस रहता है। उसके बाद एक सीक्रेट तरीका है पकौड़े को लाजवाब बनाने का, वो है सॉस। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है टोमेटो सॉस, जिसे जो है पकौड़ा काफ़ी टेस्टी बनता है। तो इसे जो है 1 पैकेट मैंने डाल दिया इस बैटर में, और चलिए उसके बाद जो है इसको मिला देते हैं अच्छे से, और मिला के जो है हम उसके बाद पनीर को जो है शेप में काटेंगे। पनीर को हमने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है, तो चलिए एक टुकड़ा लेते हैं और आपको दिखाते हैं पकौड़ा कैसे बनाना है। इस तरह से जो आप सॉस उस पर डाल दें, और डालने के बाद जो है वापस से और दूसरा पनीर इसके ऊपर चिपका दें। चिपकाने के बाद जो कुछ इस तरह से जो है दिखेगा, तो चलिए अब इसको जो है बेसन वाले जो बैटर है इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद जो है इसे अच्छे से जो है कोटिंग कर देते हैं, ताकि पकौड़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से बन के आए। कोटिंग करने के बाद जो है हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, तो इसे जो है बारी बारी से डालते। इसी तरह से जो है बाकी के जो पनीर के टुकड़े हैं वो कढ़ाई में डाल दें, और मीडियम फ्लेम पे जो है इसे 1 मिनट तक पकाएं। 1 मिनट जब हो जाता है तो हम इसे जो है वापस से पलट देंगे। तो इसी तरीके से जो है आपका पकौड़ा बनेगा। देखिए इस तरह का जब टेक्सचर आएगा तो समझिए कि पकौड़ा जो है एक तरफ से पक चुका है। अब उसके बाद जो इसी तरह से जो है आप पलटते, और पलटने के बाद जो है जब अच्छे से जो क्रिस्पी पकौड़ा बन जाए, तो कुछ इस तरह से जो है अपने फैमिली मेम्बर के बीच दो तरह के सॉस के साथ या फिर किसी चटनी के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा बना है। इस तरह से जो आप घर में बहुत आसान तरीके से पनीर का पकौड़ा बना सकते हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक अगले ऐसी ही नई रेसिपी में।